Today we will finish the remaining questions of exercise 2D and we will finish this exercise. Question number 19. Question book arise so that the following pairs are co-prime numbers. तो co-prime numbers की आपको conditions बतानी चाहिए सबसे पहले कि co-prime numbers हमारे वो numbers होते हैं जिनका HCF हमारा 1 होता है, वो number हमारे co-prime number होते हैं. तो सबसे पहले इनके answers नहीं लिए होंगे तो इसमें क्या है, वो शो दैट करने के लिए बोला. इसका मीन्स ये सबके सब पहले जो दिए गए 19 से लेके 24 तक ये सबके सब हमारे co-prime number है, लेकिन इनको सॉल्व करने का क्या मेथड है हमारा. तो फर्स्ट नंबर दिया गया उसका फैक्टर करेंगे, सेकंड नंबर दिया गया उसका फैक्टर करेंगे, उनके फैक्टर्स लिखेंगे. देन उसके बाद जितने भी फैक्टर आएंगे हमारे, जितने भी हमारे फैक्टर आएंगे उन सबको लिखेंगे और उनका HCF फाइंड करेंगे 1. इस तरह से हमें पता चल गया कि इनके फैक्टर जो है हमारा HCF हमारा 1 आ रहा है फैक्टर करने के बाद, तो गिवन नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन 24 तक है ये आपके ऐसे ही. क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 आपका सेम है तो आपको समझना है वो क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर का मीन्स होता है HCF से. जब भी वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने की बात करेगा तो हम HCF फाइंड करेंगे. HCF फाइंड करने के लिए वो कह रहा है विच डिवाइड 615 एंड 960 लीविंग रिमाइंडर इन ईच केस. मीन्स वो कह रहा है कि हर नंबर में से दोनों नंबर जो दिए गए हैं उनमें 66 माइनस कीजिए. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लीविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस. मीन्स दो नंबर दिए गए उनमें से हमने 6 रिमाइंडर माइनस किया, इसमें से किया तो इसमें 6 रिमाइंडर माइनस किया. क्यों किया? क्योंकि उसने दिया था तो इसमें से हमने माइनस किया. देन उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. अब उसका ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF फाइंड करते हैं. तो हमने डिवीजन मेथड से इसका HCF फाइंड कर लिया और HCF कितना है हमारा 87 आया. तो हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा वो क्या है हमारा 87 है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 26 है. क्वेश्चन नंबर 26 में 201 दे रहा है, सॉरी 2011 दे रहा है, 2623 दे रहा है और इसमें से कह रहा है लीविंग रिमाइंडर. तो पहले वाले 2011 जो है उसमें से तो 9 माइनस कर देंगे हम, यहाँ पे 2011 लिखेंगे और यहाँ पे 9 माइनस कर देंगे और दूसरा नंबर 2623 लिखेंगे उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे और फिर HCF निकाल लेंगे. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27 है, पहले नंबर में से 4 माइनस करेंगे, सेकंड नंबर में से हम 5 माइनस करेंगे और थर्ड नंबर में से हम 6 माइनस करेंगे. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है रिड्यूसिंग फॉर्म. लोएस्ट फॉर्म के लिए जब भी बात करेगा तो हम छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में डिवाइड करके पहले HCF फाइंड करेंगे. HCF आया हमारा 23 जो आया HCF, HCF से जो भी HCF आएगा उससे उस नंबर का डिवाइड करें. अब 23 से इसको डिवाइड किया 7 टाइम्स किया, 23 से इसको डिवाइड किया 9 टाइम्स किया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 29 है, तीन नंबर दिए गए हैं हमारे मीटर मीटर में दिए गए हैं, HCF निकाल लेंगे. तीनों नंबरों का HCF कैसे निकालते हैं, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो या फिर डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो. क्वेश्चन नंबर 30 में भी डिवीजन में आपको HCF निकालना है. क्वेश्चन नंबर 31 में भी, 32 में आपको मीटर और सेंटीमीटर में दिया है तो सबसे पहले आप उसको सबको चेंज कर लेना सेंटीमीटर में, ऑल कन्वर्ट्स इनटू सेंटीमीटर. पहले सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे उसके बाद HCF निकालेंगे. ऐसे ही अगले वाले नंबर में आप पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना सबको 33 वाले में और उसका HCF निकाल लेना दोनों नंबरों का. और 34 में आपको अपनी तरफ से कोई भी नंबर लेने फाइंड द HCF टू प्राइम नंबर, दो कोई भी प्राइम नंबर ले लेना उनका HCF निकालना. टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर ले लिया आपने, 2 ले लिया 3 ले लिया उसका HCF निकाल दिया. टू को प्राइम नंबर, दो कोई भी को प्राइम नंबर ले लिया आपने उनका HCF निकाल लेना. और टू एंड एन इवन नंबर, 2 ले लिया और एक इवन नंबर ले लिया, मीन्स 2 और 4 ले लेंगे आप तो उसका वो निकाल लेंगे. तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2D आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी.